ते जिहड़ा इन्हां दा सवाल है एनर्जी वाला, मैनू इह लगदा है कि जदों कम ना होवे मैं उदों थक जांदी आ, जदों कम होवे उदों मैं थकदी नहीं, क्योंकि मैं थिएटर कीता। जिहड़े मेरे गुरु सी गुरशरण भाजी, उह कहिंदे हुंदे सी कि जदों बंदा थक गया इहदा मतलब उह मर गया। तो मैनू ये लगता है कि जिस दिन मैं थक गई मैं खत्म हो जूँगी। सो सारी इंडस्ट्री की मैं सदा ऋणी हाँ कि मैनू उन्होंने एनर्जी दी है, एनर्जी च रही हाँ। सारे डायरैक्टर जिदा मैं धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैनू काम करन दा मौका दिता। इस फिल्म नू लैके फिर मामला गड़बड़ है, मैं सागर नाल पहली बार काम किया, मैं बार बार कहती रही हाँ, इन्नी एनर्जी नाल इन्होंने भी काम किया कि सातों एनर्जी नाल काम करवा लिया। तो मैं मुबारकबाद दिनी हाँ, मैनू पूरी उम्मीद है फिर मामला गड़बड़ है। देखो कि मामला कित्थे कित्थे गड़बड़ हुंदा है। ये फिल्म थानू हसाऊगी भी, हसना खेडना मन का चाओ गुरबाणी भी कहती है। सो उस एनर्जी नाल फिल्म बनी है तो मैं पूरी उम्मीद है। तो मीडिया की असी मैं सदा ऋणी हुंनी आ, क्योंकि मीडिया एक इहो जिहा सोर्स है जिहड़ा साडी गल लोगों तक लैके जाता है। मैं पूरी उम्मीद है कि इस टीम की भी गल लोगों तक जाऊगी। तो सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे तो सीनियर आर्टिस्ट भल्ला साहब, बी एन शर्मा, तो मेरा थिएटर को आर्टिस्ट बनी निंजा बेटा, तो प्रीत, सारे ने बहुत अच्छा काम किया। रोज़ मैडम तो मेरा एक बखरा ही करैक्टर है, पहले तुसी ट्रेलर च ही देख लिया, पता नहीं क्यों मेरे तो सारे थप्पड़ ही मरवा देंगे ने। मैं उस एनर्जी नाल मारता तो उस एनर्जी नाल उन्होंने सह लिया, तो एनर्जी नाल फिल्म बनी है। एनर्जी वाला क्वेश्चन मैं हमेशा चंगा लगता है। सो आओ आप उस एनर्जी नाल फिल्म देखिए, फिर मामला गड़बड़ है।